हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हिंदुस्तान भारतवर्ष आर्यव्रत जम्बूद्वीप भारत खंड में मेवात एक ऐसा एरिया हो गया है कि जहां सबसे ज़्यादा निकृष्ट भ्रष्ट और गुंडा और बदमाश शैतान और हैवान इकट्ठे हो गए हैं और वहां सारी मस्जिदों में सारे मदरसों में वहां इकट्ठा है मौलाना मौलवी इमाम किमाम हाजी काजी वहां बंगाल के बिहार के और यूपी के हरियाणा सरकार को बहुत पहले से उनकी सीआईडी करके और इसकी जानकारी रखनी चाहिए। अब यह जब मामला उलझा है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हर वर्ष यात्रा निकालता ब्रज मंडल यात्रा इस बार भी निकाली पर इस बार षड्यंत्र जो किया वो एक संगठन मुस्लिम संगठन ने नहीं किया और वहाँ 11 तरह के अपराध हैं। 11 तरह के अपराध मैं गिनाऊंगा, टाइम लगेगा, मैं शॉर्ट में आपको कहूँ जो अपराध मेवात में हैं पूरे देश में कहीं नहीं है। साइबर क्राइम इस समय ज्वलंत है इसलिए उन्होंने साइबर क्राइम को जलाया है और इससे बढ़ कर के मैं आपको बताऊं कि वहां पर कोई अकेला जमायत या कोई संगठन नहीं, वहां कितने संगठन काम कर रहे हैं। इसकी सीआईडी हरियाणा सरकार को क्यों नहीं लगी? मैंने प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से बात की है, सीएम को गृह मंत्री जी को मेवात में कैसे कंट्रोल करना को सुझाव देना चाहता हूँ, यहाँ भी बोलूँगा। मैंने अपने अलवर के एसपी को अभी सुबह 2 सुझाव दिए हैं और मेरा सुझाव मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात होगी। मेरे पास ऐसे 5 पॉइंट हैं, मेरा रामगढ़ कंट्रोल है, अलवर में तिजारा कंट्रोल है, भिवाड़ी में थोड़ी उन्होंने शैतानी की है और भरतपुर में शैतानी की है, लेकिन यहाँ पूरा कंट्रोल क्यों है? क्योंकि 22 साल पहले से ही मैंने इनका नक्कस और नक्कस नसबंदी की है। मेवात में पूरी गुंडागर्दी को रोकना है तो मैंने जो 5 पॉइंट सुझाए हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री ध्यान देंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ साइबर क्राइम के 4 तरह के हैं, वो अलग से लूटना, साइबर क्राइम में हनी ट्रैप, साइबर क्राइम में व्हाट्सएप भेज करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिलाएंगे और इससे बढ़ करके गोहत्या गो तस्करी सिंथेटिक दूध चालू हुआ है तो मेवात से चालू हुआ है, अवैध खनन से लेकर के अवैध नोटों से लेकर के और सोने की नकली ईंटें और सोने के निकली अशरफियाँ, माने 11 तरह के जो अपराध वहाँ हैं वहाँ हो रहे हैं चल रहे हैं और उसमें हमारा हिंदू समाज भी जकड़ में आ गया है। हिंदू समाज में कुछ गरीब लड़के वो भी उनके जकड़ में आ गए हैं तो मेवात जो सुलग रहा है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हरियाणा सरकार ने मेवात में मेवों की दुकान बंद क्यों हो रही? पहले 2 दिन से बंद दुकानें मेवात में पहले से जो सुलग रहा मोनू मानेसर के नाम पे, यह वहाँ की सीआईडी को हरियाणा सरकार को जो मैं सुझाव दूंगा तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि मेवात कंट्रोलेबल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको हमको सबको नुकसान होगा पूरे देश को। हरियाणा सरकार बोलती है बड़ी साजिश हुई है, मोनू मानेसर का नाम आया है इस पूरी घटना में जिसको आप लोग पहले से बचाते रहे, बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ है फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाई, और ये कैसा राजस्थान में कंट्रोल है? भरतपुर में इंटरनेट बंद कर दिया, भिवाड़ी में इस तरह से कर्फ्यू लगा दिया। इनकी गहलोत साहब की हालत पहले खराब होती है, एक पैर में कील लगी तो दूसरे पैर में पट्टा बांध लिया, इसलिए भरतपुर में इंटरनेट बंद कर दिया, अलवर में बंद कर दिया। इंटरनेट बंद करने से आपका सोशल मीडिया रुक जाएगा लेकिन बाकी अफवाह थोड़ी रुकेंगी, कान से कान अफवाह जो उड़ाते हैं वो। अब हरियाणा सरकार जो कह रही है साजिश, तो साजिश तो थी, ये बात बिल्कुल सही है, मोनू मानेसर के नाम पे जो भड़काव उनमें हुआ है, अरे तुमने तो हजारों हत्या की है, हमारी कम से कम 2000 हिंदू लड़कियाँ उठा करके ले गए, पहले उठा करके ले गए, अब लौह जात नया नया लौह जात ककराली बेव गाँव का लड़का जो पकड़ा गया जुनेद, और आपने तो हमारी 2000 हिंदू लड़कियों को उठाया है और उनसे बलात्कार किया है, व्यभिचार किया है, और आप कहते हैं इंटरनेट बंद होता है। इंटरनेट बंद होना सोशल मीडिया के कारण नहीं, अफवाह और अत्याचार से अत्याचार और ऐसा अत्याचार जो हो रहा है, इसलिए हरियाणा में मेवात में कंट्रोल होना ज़रूरी है। केंद्र सरकार प्रांत सरकारों को मेरा अपना सुझाव रहेगा, मैं सबसे ज़्यादा रामगढ़ में कंट्रोल करके बैठा, इसलिए रामगढ़ में कोई 30 साल से मैं वहाँ हूँ, 30 साल से मैंने 5 चुनाव लड़े, कोई दंगा फसाद सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया, पुनः नहीं होने देंगे, पूरा कंट्रोल करेंगे, भारत माता की जय। एक है
राजस्थान प्रभारी श्रीमान रंधावा साहब, उम्र से वैसे वो मेरे छोटे हैं लगते सफ़ेद बाल हैं, पंजाब में उनको कोई नहीं पूछता, यहाँ आकर के जो मर्जी बोलने का उनकी आदत हो गई, अब सांसदों पे आरोप लगा दिया और लाल डायरी को जो आप पत्रकारों को उत्सुकता है, राजेंद्र जी गुड़ा लगातार अटैक करते रहे सचिन पायलट की तरह और राजेंद्र गुड़ा को अचानक बर्खास्त किया। इसके बाद में कांग्रेस में हलचल है, विधायक बहुमत विधायक और बहुमत मंत्री इसको गलत मान रहे हैं। अब शांति धारीवाल जो अशांति धारीवाल हैं उन्होंने उनकी डायरी छीन ली और यहाँ के रफीक अहमद साहब, अरे एक एमएलए दूसरे एमएलए को दूसरे मंत्री को अटैक करे, लाल डायरी में क्रिकेट का सबसे बड़ा घोटाला और उससे बड़े घोटाले एमएलए को खरीद फरोख्त हुए, इन्होंने झूठे आरोप लगाया। गहलोत साहब ने आरोप लगाया, श्रीमान गहलोत साहब माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले खरीदना चाहते हैं। वास्तव में एक नकट्टा किसी गांव में गया, वो अपने नकट्टे नाक पे हाथ रख लिया, नाक कट गया था और कहने लगा तुम्हारी नाक कट गई। तो असल में नाक तो कटी है इनकी, पैसे दिए इन्होंने, वह विधायकों को खरीदा इन्होंने, क्रिकेट एसोसिएशन में गबन किया इन्होंने और पीएचडी का जो लगभग 30,000 करोड़ आया अलग अलग टाइम में, उसमें टेंडर में गड़बड़ी की इन्होंने गवर्नमेंट। अब लाल डायरी का जो मैटर है, आज राजेंद्र गुड़ा जी ने सारा खुलासा किया है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा लेन देन लाल डायरी में है। वो एक एक चीज़ नोट करता रहा, मैं भी रोज डायरी लिखता हूँ लेकिन मैं अपनी डायरी का खुलासा नहीं करता। डायरी जो नेता या कार्यकर्ता या पत्रकार लिखता है, ये सबसे बड़ी विशेषता प्रतिदिन की गतिविधियाँ आ जाती है। तो राजेंद्र गुड़ा को मैं धन्यवाद दूंगा और अगर मेरा साथ लेगा तो मैं साथ भी दूंगा। मैं खुला खुला कहता हूँ, जो कहता हूँ खुला खुला कहता हूँ, राजेंद्र गुड़ा ने जो आज खुलासा किया है वो मेरा साथ लेना चाहे साथ दूंगा। मैं खुद क्रांतिकारी आदमी हूँ, बोलना व्यक्ति रूप से उतना जितना हम लोग के ऊपर मानहानि केस बनाने का एक नाटक जो चल रहा है, नौटंकी जो चल रही है गहलोत साहब के राज में, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। राजेंद्र गुड़ा को आप लोग हम लोग जो महत्व देंगे, साथ देंगे, तो इनका सारा खुलासा हो जाएगा। अब तक की सारी गतिविधियाँ इनके श्रीमान गहलोत साहब के लाडलों की गतिविधियाँ, चाहे राठौड़ साहब हैं, चाहे डॉक्टर महेश जोशी हैं और चाहे धारीवाल साहब हैं, सबके पोल खुल जाएगी और उनके बेटे हमारे श्रीमान वैभव गहलोत भी। मैं श्रीमान इसलिए बोलता हूँ, विधायक कार्य से जुड़ा हूँ, विधायक रहा हूँ, इसलिए माननीय और श्रीमान बोलना हमारा विधायक कार्य का संसदीय शब्द है। बाद में लग जाए।